सत्यम ओम शिवम ओम सुंदरम भी है, निराकार साकार निरंकार ओम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। आज हमारे साथ हैं सोमेश्वर नारायण शर्मा, जिनको सोमेश्वर महादेवन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरे भारत में रोशन किया, जिन्होंने महज 9 वर्ष की आयु में ही संगीत की अध्ययन की शुरुआत की। सोमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमें बताएं कि जो 9 वर्ष की आयु से ही आपने जो संगीत का जो अध्ययन शुरुआत की उसके बारे में आप कुछ बताएं थोड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, आपने मुझे यहाँ पर एक छोटे से इंटरव्यू के लिए, मैं बहुत ही अपने समय में बहुत मेरा अभाव था समय का, तो बहुत भागा दौड़ी में मैं आया हूँ। एक्चुअल में अब क्या होता है पुनीत जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्रिय हैं। और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान के लिए समर्पित हूँ, राजस्थान की मिट्टी के लिए समर्पित हूँ और राजस्थान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो यहाँ के कलाकार हैं, यहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर है, जो हेरिटेज है, तो यहाँ का अपने आप का जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है। तो मैं यही मैं 9 साल से जो मुझे अध्ययन करने का जो एक रास्ता मिला, ये जो रास्ता दिखाया गया वो मेरे पिताजी ने खुद दिखाया। मेरे पिताजी पहले गुरु रहे मेरे और उन वो बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा, बचपन में सबसे पहले आपके पिताजी ही आपके गुरु बने? बहुत, सबसे प्रथम गुरु जो जिसे बोलते हैं वो मेरे पिताजी थे, क्योंकि बहुत अच्छा गाते थे, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी और उन्होंने भी कई क्लासिकल सिंगर से अपनी जो क्लासिकल जो शिक्षा थी वो ग्रहण की थी। तो उन्होंने कहा कि सोमेश्वर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको कई एक बार देखना चाहिए कि आपको अगर आपको अच्छा अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आपको अगर कोशिश करते हैं आपको एक गुरु के माध्यम से शिक्षा दी जाए और आप आगे बढ़ सकें इस अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बिल्कुल पापा, मैं ट्राई करता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं जितना ज़्यादा सीख सकूँ और आप मुझे सिखा सकें। तो उन्होंने मुझे, सबसे पहले ही गुरु वो थे जिन्होंने मुझे हारमोनियम पे बजाना अच्छा सिखाया, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से जो उन्होंने भी जो शिक्षा ग्रहण की थी, अलग अलग गुरु उनके भी रहे हैं। तो हालांकि खुद डॉक्टर प्रोफेशन से थे वो, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था, खुद बैठते भी नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी थी तो उन्होंने, उनको लगता था कि वो एक म्यूज़िक का जो जुड़ाव है वो मेरा भी रहे थोड़ा बहुत। और मेरा रुझान काफ़ी था म्यूज़िक में स्टार्टिंग से, मैं 4th स्टैंडर्ड से काफ़ी स्कूल्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था और मैं फर्स्ट आता था। फिर जो डॉक्टर थे पिताजी, तो फिर बाद में संगीत से कैसा उनका नाता जुड़ा एक? तो उनका हुआ क्या था कि एक उनके जो गुरु थे मोतीलाल जी, वो रतनगढ़ और वहाँ सरदारशहर से बिलोंग करते थे, उस एरिया से बिलोंग करते थे। पापा के जगह जगह ट्रांसफ़र हुए क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट डॉक्टर थे। तो उन्होंने ये देखा कि जो गुरु हैं मोतीलाल जी, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और उन्हीं के घर के आसपास रहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें, आपकी आवाज़ अच्छी है और आप अच्छा गाते हैं और आप भी किशोर कुमार और वैसे उनकी आवाज़ है, किशोर दा के गाने गाते हैं, तो आपको सिखाया जाए। तो उन्होंने सिखाने लगे वो फादर को, मेरे पिताजी को, तो उनको अच्छा लगा काफ़ी कि यार म्यूज़िक तो एक अपने आप में एक स्ट्रेस फ्री आप कहो सकते हो, क्योंकि एक डॉक्टर की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा स्टक्ड अप रहती है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा अलग अलग टाइप के पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, टाइम भी नहीं मिल पाता कई बार, तो नाइट ड्यूटी पे भी उनको कभी भी भागना पड़ता है जी। तो हुआ ये कि उनका ऐसा रुझान बढ़ता गया म्यूज़िक में और उन्होंने वो जो संगीत की शिक्षा थी वो मोतीलाल जी से ली। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया उनको और धीरे धीरे मैं उस टाइम, मुझे ध्यान होगा कि मैं शायद मम्मा के पेट में होऊंगा छोटा। अच्छा। तो होता है ना कि आप उस टाइम पे जो भी आप सुनते हैं या जो चीज़ें करते हैं, तो शायद उससे मुझे ऐसा होता है कि म्यूज़िक का कुछ ऐसा आया, ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ये एक बैठ के सुनते थे, मदर भी सुनते थे, तो उस चीज़ को बहुत अच्छा एक निकल कर आया। और जब फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ें बोली कि आप ये बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो मैंने एक ट्राई किया। तो क्या पापा भी चाहते थे कि मेरा बेटा एक सिंगर बने बहुत बड़ा? और ना ना, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। देखो वो हमेशा चाहते थे कि पहले स्टडीज़ कम्प्लीट करें और फिर ये सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि आपको कलाकार को देखते हो गए कि ज़्यादातर कलाकार ऐसा होते हैं वो अपने जो प्रोफेशन जो स्टडीज़ वो छोड़ देते हैं और वो मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ जल्दी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, राइट। लेकिन उन्होंने यही बोला कि आप पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें और उसके बाद अपना जो भी काम है, जो सेकेंडरी काम है, वो आप करिए। तो ऐसा उन्होंने तो आज के जो टाइम है, जैसे ऑटो ट्यून का जमाना है, कई सिंगर्स हैं जिनको सिंगिंग आती नहीं है बट ऑटो ट्यून के माध्यम से वो सिंगर्स बने हुए हैं और बहुत फेमस हो रहे हैं, तो वो देख के आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आज मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और मुझे कई फेस का सामना करना पड़ रहा है और आजकल के जो यूथ हैं वो ऑटोट्यून के माध्यम से ही वो बड़े फेमस हो रहे हैं,
बिल्कुल, एक सोशल मीडिया ने एक जैसे हर चीज़ की एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो सोशल मीडिया का भी अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। तो वहाँ पे कई ऐसे जो कलाकार हैं जो सीखे हुए हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनको एक प्रॉपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या वो नहीं जा पाते, या उनको टेक्निकली उस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कैसे करें, उनको आगे कैसे आए। हालांकि यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्होंने अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने भी हैं और बहुत अच्छे डिजिटल क्रिएटर्स बनते जा रहे हैं। लेकिन इससे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सीखे हुए जो लोग हैं या जिन्होंने एक कला सीखी हुई है या कहीं ना कहीं जो कला है वो दब रही है, तो हम उसी को कला को उभारने का प्रयास कर रहे हैं और हम अभी लगे पड़े हैं इसी चीज़ में और सफलताएं मिल भी रही हैं हमें। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप मतलब भजन के भी शौकीन हैं गाने के, तो क्या आपने ऐसा कुछ स्टेज परफॉर्मेंस किया आपने वहाँ पे? देखिए 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो अमृत महोत्सव से हुई, 14 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, और 14 जनवरी की जो शुरुआत थी वो हमारे विश्वगुरु या जगत गुरु जिसे बोलते हैं, जगत गुरु जी हैं श्री राम भद्राचार्य जी, और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था। उससे पहले मैं चित्रकूट धाम भी गया था उनके आश्रम में, तो उन्होंने कहा था सोमेश्वर आपकी आवाज़ अच्छी है, उनके लिए मैं भजन मैंने बनाया नमो राघवाय, जो काफ़ी उनको अच्छा लगा, तो एक मैं ऐसे ही रफ बना के लेकर गया था और मैं माता श्री के साथ वहाँ पर पहुँचा था। तो वहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पधारे थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो प्रोग्राम है वो हम रामलला प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो हम आपका कराएंगे, और वहाँ पे आपको एक ये जो मेरा जो गीत है या जो भजन है जो आपने बनाया है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मुझे बड़ा अपने आप में ये हुआ कि इतना बड़ा गुरु का सानिध्य मिला है और गुरु के माध्यम से मुझे इतना बड़ा काम मिल रहा है, तो एक ये संत कृपा थी। क्या मोदी जी से भी मिलना हुआ? नहीं, उस टाइम नहीं मिलना हुआ, क्योंकि कारण ये रहा क्योंकि सबका एक अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि वहाँ तो इतनी सेलिब्रिटी भी आए हुए थे, उन्होंने सुना भी होगा किसी ने आगे के लिए अप्रोच किया फिर आप। बिल्कुल, लेकिन हाँ सब कनेक्टेड रहे, क्योंकि काफ़ी एक होता है कि आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे इस टाइप के प्रोटोकॉल में आपको बुलाया जाता है या निमंत्रण मिलता है या आप आमंत्रित रहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं वो लोग आपसे मिलते हैं या कोई ना कोई उनके माध्यम से मिलना चाहता है आपसे, और वो लोग मिले भी, और मुझे उन्होंने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा में आपको आपको इतना आशीर्वाद मिल गया है गुरुजी से, तो अब आपसे वहीं पे मिलना होगा, तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। क्या और भी कोई भजन गाया आपने कोई आगे किसी के लिए या कुछ किया? जी बिल्कुल, मैंने अभी एक ओम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है जो जाडन पाली में बना है में। और 28 सालों से वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 250 एकड़ में फैला हुआ काफी अच्छा भव्य मंदिर है, और वहाँ पे जो विश्व गुरु है महेश्वरानंद जी, उन्होंने भी मुझे इन्वाइट किया जब उनको पता लगा कि मैंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा में भी अपना अमृत महोत्सव में एक प्रोग्राम दिया था और गणपति वंदना प्रेजेंट की थी, तो मैंने जो वो ओम का एक वर्ड का जो पहला दुनिया का एक बिल्कुल सुनाएंगे, तो जो दुनिया का जो पहला एकमात्र ओम सॉन्ग था वो अभी रिलीज हुआ है हाल ही फिलहाल मेरा, और वो पहला ओम सॉन्ग है, क्योंकि आज तक शिवजी पे कई भोलेनाथ पे कई भजन बने हैं, शिवजी पे कई भजन बने हैं, लेकिन ओम पे कभी नहीं बना। ओम पे भजन पहला आप ही गए? पहला भजन जो था वो ओम पे अभी कुछ लाइनें सुनाए हैं बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए। जी तो उसमें ऐसा था कि ओम सत्यम ओम शिवम ओम सुंदरम भी है, निराकार साकार निरंकार ओम है, ओम सत्यम ओम शिवम ओम सुंदरम भी है, निराकार साकार निरंकार ओम है, एकाक्षर ब्रह्म ओम है इसको साधो, 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 ओम रूपी धनुष पर इस आत्मा सम बाण को लक्ष्येश्वर का लिए साधो रे साधो, एकाक्षर ब्रह्म ओम है इसको साधो, एकाक्षर ब्रह्म ओम है इसको साधो, बम भोले बम भोले 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 बम बम, बम भोले बम भोले 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 बम बम। तो इसका क्या लॉन्च, मतलब आपने इसको लॉन्च किया इस सॉन्ग को अभी या फिर बाद में कुछ? मैंने लॉन्च जो किया था वो ओम मंदिर में ही किया था, और जी जो जब ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारे सीएम जो भजन लाल शर्मा जी हैं वो वहाँ पे पधारे थे, तो उस टाइम वहाँ पे भी उनके लिए 2 से 5 मिनट का समय मिला था, वो उस टाइम प्रोटोकॉल में थे तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको यहीं पे रुकना है और आपको भजन यहाँ पे आपको गाकर ही जाना पड़ेगा, आपके जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूरा जब हो जाएगा महेश्वरानंद जी का जो आशीर्वाद
मुझे मिला वहाँ पर, उन्होंने मुझे माला पहनाया स्टेज पर। मैं अपने आप में एक ऐसा मानता हूँ कि एक जो संतों की कृपा है उसके बिना आप ये कुछ नहीं संभव है। तो कहीं भी अगर आप जाते हैं तो बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, जैसे आपने सुना है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप देखते होगे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो बिना संत की कृपा के, बिना माता पिता के आशीर्वाद से हो संभव ही नहीं। कौन कौन से आपको अवार्ड्स मिले सिंगिंग में अभी तक, कहाँ कौन से लेवल तक आप गए? और जैसे सिंगिंग के लिए कई कॉम्पिटिशन होते हैं, इंडियन आइडल और ये सब में। जी जी, मैं इंडियन आइडल से मुझे याद है कि मैं इंडियन आइडल 6 में मैं वहाँ पर प्रेजेंट था और मैं टॉप 50s में रहा भी, और लेकिन वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैंने वहाँ पे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का एक कंपटीशन था, यूथ आइकन, जो एक लोकमत करके वहाँ पर पेपर है, उसने मुझे ऑर्गेनाइज करा और उन्होंने कहा कि मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री से वो लोग मुझे इस कॉम्पिटिशन में रखेंगे। और इस कॉम्पिटिशन के माध्यम से मुझे काफ़ी, उन्होंने 2012 में मुझे टॉप 10 में एंट्री दी और उसके बाद मैं टॉप 3 में भी आया। और उसमें ब्रांड एम्बेसडर मैं उस टाइम नहीं बन पाया, लेकिन यूथ आइकन वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का खिताब मुझे दिया। आप हमें बताएं कि ये सोमेश्वर जी, कि जो यूथ होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने करियर को, वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, कि ऐसे जो यूथ हैं उनके लिए आप क्या सपोर्ट करना चाहते हैं? एक मैंने आपको बताया कि यूएसए क्यू प्रोडक्शंस की हमने एक शुरुआत की है, एक मंच दिया है यहाँ के जो राजस्थान के कलाकार हैं कि उससे जुड़े और अपनी जो भी कला है उनके, जो भी जिसमें भी वो फील्ड कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे कोरियोग्राफी हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, तो वो सारी हमारे प्रोडक्शन के जरिए या प्रोडक्शन के माध्यम से जुड़ के उनको अचीव हो सकता है। हम वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक व्यूअरशिप बढ़ गया है, हमारा एक बेस धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अगर अच्छी सोच रख के अगर उन कलाकारों को अगर आगे बढ़ाया जाए, एक ऐसा मंच दिया जाए जहाँ से उनका एक नेशनल एक्सपोजर हो सके, तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। तो वही हम प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ सोमेश्वर महादेवन जी।